अस्सलाम वालेकुम, टैक्सी न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मिलते हैं इस हफ्ते के मुसाफिरों से। मेरी टैक्सी के ये मुसाफिर शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और हर नए फनकार की तरह इनको भी नाम बनाने के लिए कई मुश्किलात से गुजरना पड़ा है। आइए देखते हैं इनकी मजीद बातचीत। दिन पता है 20 दिन कितने होते हैं? 20 दिन इंक्लूडिंग शुरू की आर्ट्स काउंसिल पे रिहर्सल्स, एक दो दिन रिहर्सल वहीं पे करेंगे। प्ले करते हैं आप जनाब? हम बताओ इन्हें शारिक भाई, आप कितने बड़े एक्टर हैं। आपको आर्ट्स काउंसिल किस लिए ले जा रहे हैं? कौन सी टीवी पे आते हैं? टीवी पे नहीं आते, आर्ट्स काउंसिल पे करते हैं। वहाँ पे मीडिया टीम कवरेज करती है, वो आती है टीवी पे। थिएटर की अपना मजा है भाई। नहीं मजा, मतलब उसी वक्त आप परफॉर्म करो, उसी वक्त डायलॉग मिले, उसी वक्त अप्लॉज मिले, और क्या, सब एक्सटेंड। और अगर बुरा कर रहे हो उसी वक्त टमाटर पड़े जनाब, अंडे पड़े। हमें वो नहीं पड़े थे। आई लव स्टैंडिंग ओवेशन यार, टू स्टैंडिंग ओवेशंस, 2 डेज 2 स्टैंडिंग ओवेशंस यार। ये तो बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि जब रिकॉर्डिंग हो तो उसमें तो आप रिप्ले भी कर सकते हैं, कोई शूट अगर गलत हुआ है ये तो बात है, लेकिन आप दिल से चीख सकते हैं ना थिएटर में बैठ के। और ये तो चार महीने से रिवाइज कर ले आप, मजा अपना है। यही तो चाह मैं, आप एक डायलॉग बोलो शुमाइला कट यहाँ से शुमाइला, इससे अच्छा इस डेट पे जाओ सबके सामने बोलो शुमाइला। शारिक भाई वो बात सही है, लेकिन आप ये शारिक भाई वो बात सही है, कोई नहीं कोई नहीं, वो बात सही है, लेकिन आप इन्हें बताओ कि प्ले हिट किसकी वजह से हुआ? बिलाल बिलाल है, पांच बार देखिए जब तुमने डायलॉग तो सुना एक दो। मैं एरोगेंट नहीं हो रहा हूँ, मैं ज्यादा अपने आप को बड़ा चढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर आती है थोड़ी बहुत। अबे डायलॉग डायलॉग अभी अभी मतलब एक्टिंग बंद करो। क्या बोले क्या बोले क्या डायलॉग करूँगा अगर तुम वो पूरा आपने कभी पान वाला को देखा है कभी चबाते हुए? पान वाला ये हमारे किरदार था ड्रामे का। ओ माय गॉड कैसे बोलता है वो, ऐसे बोलता है ना, अरे मियाँ मियाँ देखो हम तुम्हें बात सही सही बताते चले, हम गलत बात नहीं करते हैं, लेकिन जब सही बात करते हैं तो उसको लोग गलत करार दे देते हैं, लेकिन उसको गलत करार देने की वजह से वो सही बात की जाती है। तुम हारिस मियाँ क्या बात है, क्या बात नहीं क्या कर मियाँ मियाँ नहीं क्या टीवी की तरफ क्यों नहीं जाते आप अच्छी तरह? सर मेरा दिल चाहता है टीवी की तरफ जाने का, लेकिन असल में हम जरा नीचे आना पड़ता है उसके लिए थोड़ा ना। देखो टीवी ऐसी चीज है कि आप क्या चाह रहे हो, आप पैसा कमाना चाह रहे हो, आपको टीवी पे मतलब लोगों के सामने जाने क्या, अगर आप आर्ट चाह रहे हो ना तो वो थिएटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टीवी पे नहीं आना अगर चाहते। कोई टीवी पे जरूर आना है और क्या, सब आना चाहते हैं टीवी पे, देखो बेचारी और अभी जा ही कर रहे ऑडिशन पे तो जा, और क्या पाकिस्तान में जो है वो एंटरटेनमेंट के जितने भी चैनल हैं उनके मुकाबले में न्यूज चैनल ज्यादा देखे जाते हैं। पाकिस्तान में बुजुर्ग लोग ज्यादा है ना असल में, भाई एंटरटेनमेंट ही वही है। एक घंटा आप टॉक शो देख लो उसमें जितनी एंटरटेनमेंट है वो सीरियल में नहीं होती। मुझे आजकल के टॉक शो तो रेसलिंग मैच लगते हैं यार। उसकी वजह अगर ये अखबार की बात मान ली जाए पाकिस्तान में न्यूज चैनल ज्यादा देखे जाते हैं, उसका मकसद इंडियन चैनल की वजह से जो उनका एक शहर है हमारे लोगों के जहनों में उनके ड्रामों का। आप खुद बताइए इंडियन चैनल की आजकल कोई हैसियत रही है? अब नहीं देखता कौन देखता है? देखिए इंडिया का कोई एक सीरियल है कौन सा, CID पता नहीं कब से नहीं यार, ऊपर मारते हैं और दया दरवाजा तोड़ दो, और दया से सालों कोई दरवाजा ऐसा है ही नहीं कि दया से ना टूटे। अरे पहले एक लाख दया मारता है दरवाजा के, वो ड्रामे जो खत्म कर चुका है वो हम दोबारा दिखा रहे हैं, जिसका मकसद है उनकी व्यूअरशिप है तो हम लोग दिखा रहे हैं ना, हमारे चैनल हमारे पाकिस्तान में उस मेयार का काम नहीं हो पा रहा अगर ये कहा जाए। भाई देखिए मैं मानता हूँ मेजोरिटी है, मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं होने चाहिए, खत्म बात। करेंगे तो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि आप इतनी क्वालिटेटिव चीज पाकिस्तान में बनाओ कि लोग वो देखे ही ना। और वो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ यार, क्या गंदा जी। आजकल की कौम ऐसी हो गई है खुदा की कसम। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग ड्रामा कर रहे थे, हम लोगों ने कितनी कंपनीज को अप्रोच करा, थोड़े से पैसे दे दें भाईजान स्पॉन्सरशिप कर दें हमारा ड्रामा अच्छा हो जाएगा। हमारा इतना अच्छा ड्रामा था, हमें दो स्टैंडिंग ओवेशन मिली, लेकिन किसी ने हमें स्पॉन्सरशिप नहीं। आप लोग काम करते हैं, आप लोगों को चांस नहीं मिल रहा, तो आप लोग कम से कम अपने आने वालों के लिए तो किस तरह का कर सकते हैं ना। बिल्कुल यार, अपने आने वाले कहाँ से, हमारे आने वाले मेरा तो है। हम खुद अभी आए, अब हम आने वालों की फिक्र करें, जो अब वो लोग हैं जिनकी जाने वालों की एज होगी वो अब जाएं। नहीं हमें क्यों नहीं भाई, आने वालों की फिक्र करनी चाहिए, 2012 में थोड़ी खत्म हो रही है दुनिया।
आप अपना शौक भी पूरा करते रहे, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रूम करें, उनको भी चांस दें। भाई मेरा तो एम है, मैं अगर हम तो उस स्टेट में होंगे, हम दूसरों को चांस दे सके। मेरी टैक्सी के ये मुसाफिर सिंध के सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और मुस्तकबिल में खुद भी सियासी मैदान में नाम बनाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि ये नौजवान क्या कहते हैं। कराची से हैं आप या सिंध से? मैं सिंध से हूँ। कहाँ से? लाड़काना। लाड़काना से भुट्टो साहब के शहर से? हाँ भुट्टो साहब। भुट्टो साहब हमारे घर के जो ना फैमिली मेंबर थे। अच्छा माशा, क्योंकि मेरे जो है सारे फैमिली सियासतदान रही है। जी जी। एक मेरा चाचा एम पी रहा है और दूसरा तालके नाजम था, और उसके बाद जो मेरे नाना थे वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के फैमिली डॉक्टर थे। उस वक्त जो है ना उस अपने ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने भी अपने बुक में लिखा है कि एक डॉक्टर नसीर और एक डॉक्टर रोशन अली शेख के इलाज के बगैर मैं जी नहीं सकता। हालांकि भुट्टो साहब के देखने के लिए कौन सा बंदा डॉक्टर नहीं होगा जो देखने नहीं आएगा, बस उस वक्त उनको उसका इलाज उनको पसंद था। सियासत में शौक है ना? सियासत का इंसान शौक है कि पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारना है। सब बातें करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को संवारना है। नहीं, संभालने का मतलब ये है कि मैं सियासत में अंदर नहीं जाऊंगा, सियासत के कोने पे बैठ के सियासत की मार। पॉलिटिशियन की वजह से तो सारे हालात ख़राब हो गए। क्या है कि फेवरिज्म हो गया है ना, कि आप मेरे भाई हो, मैं किसी पोस्ट पे हूँ तो आपको तो नौकरी कन्फर्म मिलेगी। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं हमारे फैमिली के टर्म्स पे हैं उनके साथ, जिनको बात करनी भी नहीं आती, उनकी 60-70 हज़ार पगार है, वो सैलरी ले रहे हैं और बैंक में काम कर रहे हैं। इस समय फिर लॉ कानूनियत नहीं हो? कानून नहीं है ना, कानून है पर कानून का अमल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में फिर लोग गलत राह पे जाते हैं ना, कितने करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, आपसे इतनी बात हो गई, मैंने कहा सिंध का और बलूचिस्तान का मतलब जितना भी पढ़ लिख जाए, ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ जाए, हाँ, लेकिन वो खानदानी जो रिवायत है, रवायत वडेराइज़म, वो ख़त्म नहीं होता। वो ख़त्म नहीं होता, वो क्या वजह है? वो वजह ये है कि उसको अपना कैलिबर मेंटेन करना है, क्योंकि जो सिंध और बलूचिस्तान में जहालत है ना, उतनी लाहौर और पंजाब साइड पर नहीं है। ठीक है ना? तो कल को अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता हूँ और मैं अपने गाँव पर जाता हूँ, अपनी ज़मीनें पर देखता हूँ, मुझे पहनी हुई है पैंट शर्ट पहनी हुई है, वो मेरे नौकर मुझे देख के हंस रहे हैं, तो मेरी अना कहाँ गई? वो जिस पे मुझे फ़ख्र था, ये था, तभी ये वही थोड़ा जहालत वाला सिस्टम, वही तालीम पर ज़्यादा जहालत वाला सिस्टम उसमें अंदर हमारे ब्लड में है। हम बड़े हैं, बस वडेरे हैं, वो नवाबजादी हैं, ये वो है। तालीम तो ये सब चीज़ें ख़त्म करती है ना। बस वो क्या है कि जब देखें आप, अगर आपके पास अरब रुपये की ज़मीन है, आप तो वहाँ पे जाओगे तो आप तो अपने आप को वहाँ देखिए, तबीयत तो वही है ना, आदत तो वही है ना, आदतें कैसे पता इंसान से देख ले। नहीं पर आपकी बात बिल्कुल सही, पर मैं इस बात पे और फिर करूँगा इस बात पे कि अगर देखें कल को अगर हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आपकी लेगेसी जो भी है वो कभी भी एक जैसी नहीं रही। ठीक है ना? परवेज़ मुशर्रफ़ की हुकूमत में पता नहीं कुछ और सिस्टम था, पॉलिसीज और थी, जिसमें कई बंदे सियासत को लाइक करते थे। आज पीपल्स पार्टी हुकूमत के बाद मैं समझता हूँ सियासत से लोग इतना डिसलाइक करते हैं, पार्लियामेंट्रियन सारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को माँ बहन पे गाली दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि उनका क्या इंटेंशन हुए हैं, क्या बातें करना चाह रहे हैं वो। लेकिन जब तक मैं समझता हूँ कि हम नौजवान उठ कर सिस्टम को बदलने की बात नहीं करेंगे, सिस्टम को बदलने के लिए नहीं निकलेंगे, एक जद्दोजहद नहीं बनाएंगे, जब तक मेरे ख्याल मैं नहीं समझता इस मुल्क में चेंज आएगा। मेरे यार दोस्त हैं इतने सारे, मैं बहुत सोशल रहा हूँ अपने बचपन से लेके, एक तो सिंध के लोग, सिंधी सकाफत और ये होता है ना कि हमारा बहुत सारा सिस्टम होता है, तो उसमें मेरे इतने दोस्त हैं, मेरी उम्र से भी छोटे हैं यार, सारा दिन पीते रहते हैं, टन होते हैं, दूध होते हैं नशे में, उनको इतना पता नहीं होता कि सुबह कब हो रही, रात कब हो रही, तो वो क्या उठ के काम करेंगे। और आपकी मेजॉरिटी जो है आपकी यंगस्टर्स सिगरेट पी रहे हैं। कौन सी पार्टी को आप लाइक करते हैं या आप क्या यार समझते हैं? ये किसी पार्टी को लाइक नहीं कर रहे, या आप क्या समझते हैं ये पार्टी कुछ बेहतर मामला था? यार मसला ये है कि सब में कोई ना कोई क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, पर उसके बाद उनकी ऐसी डिसक्वालिटीज़ आ जाती हैं जो उनकी क्वालिटी को ही मार देती है। कहीं पर वो एक्शन जो हैं सो मोटो एक्शन हैं आपके, कहीं पर उनके प्रिविलेज जो हैं वो भी सही कर रहे हैं,
करप्शन तो सबने की हुई है ना, कौन सी? हाँ, करप्शन तो सबने की है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। करप्शन की बात मैं कर नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो डिसीजंस है ना वो कहीं कहीं पर इतने अच्छे हैं कि उनका कोई जवाब नहीं, पर कहीं कहीं पर उनकी इतनी आप भी लड़काना में रहते होंगे, लड़काना के जब सारे गाले वो सोमरो साहब भी जो सिंध के वजीर कानून लड़काना के हैं, उनके जहाँ जहाँ रहते होंगे वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती होगी, वहाँ इंतजाम होते होंगे, बाकी जो आम शहरी रहते होंगे उनको यही तो रेसिस्ट है ना, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। जैसे अमेरिका में काले और वाइट का फ़र्क होता है, यहाँ पे ये फ़र्क है, क्लास का फ़र्क है, तो सभी एक ही कलर हो एक ही शक्ल के। पर मसला ये है कि यहाँ पे करते हैं भाई ये अमीर है ये गरीब है, बस अल्लाह पाक हर किसी को अपने अमान में रखे, खुश रखे। टैक्सी न्यूज़ में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कुछ नए मुसाफिरों से, देखते रहिए टैक्सी न्यूज़।